दोस्तों बात करेंगे इरडा के शेर के बारे में। देखिए दोस्तों, इरडा के अंदर अभी के टाइम कोई भी बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिल रहा। जैसा कि अगर आप देखोगे तो पीएससी के अदर शेरों के अकॉर्डिंग बताऊं तो देखो, जब यहाँ पे इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह का टाइम था, इलेक्शन वो जो आपके एग्जिट पोल को लेते जिसका टाइम था, तब से भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। जो बाउंस आना चाहिए था वो बाउंस नहीं आ पा रहा है। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है स्टॉक की, क्या यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। देखो दोस्तों, जब भी बड़े फेस को खरीदना होता है या तो स्टॉक को दोस्तों गिरा देते हैं या स्टॉक को एक रेंज में खड़ा कर देते हैं लाके। अभी के टाइम अगर आप देखोगे 31 जो आपका दोस्तों यहाँ पे मई निकली है ना भाई, 31 मई, ठीक है ना, 31 मई को हमें बड़ा लॉक इन पीरियड, और हम दोस्तों 145 करोड़ शेयरों के साथ, शेयरों के आसपास का बड़ा लॉक इन पीरियड हमें खत्म होता हुआ देखने को मिला है। एंड सबसे मेन पॉइंट ये कि भाई उसके बाद आप देखोगे तो एक भी रेली स्टॉक ने हमें नहीं दिखाई। और हम बताऊं मैं तो 200 प्लस भी अभी तक हमें ये होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए दोस्तों, 200 प्लस कब होगा, बड़ी रैली भी आएगी, बस ये है कि आपको वेट करना है। देखो मेन पॉइंट यहाँ पे अगर अभी के टाइम बता दूं मैं तो, देखो मार्केट वेट कर रहा है, जो आपके एफआई वाले हैं, एफआई वालों से अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। एफआई वाले वेट कर रहे हैं बजट का, बजट देखेंगे उसके बाद एफआई वाले हमारे मार्केट की तरफ फिर से आते हुए नजर आएंगे। तो बजट कब रहेगा, बजट रहेगा दोस्तों 1 जुलाई को। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि आपको अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई के आसपास हमें बजट जैसे आएगा, बजट से पहले स्टॉक हमें मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बजट में डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। एंड उस अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पे आपके एफआई एंड डीआई वाले सब हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो टोटली कहने का मतलब ये कि ज्यादा वेट अब नहीं करना पड़ेगा। अगर डाटा बताया आज का तो 183 के आसपास के हाई थे, वही दोस्तों लो की बात करूं 178.60 पैसे के लो थे, एंड स्टॉक दोस्तों 180.50 पैसे पे स्टॉक की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। मेन पॉइंट यहां पे देखो, वॉल्यूम में देखोगे तो बहुत कम है। देखिए टाइम जिस प्रकार दोस्तों मार्केट में स्टॉक की वॉल्यूम आनी चाहिए, अभी के टाइम ओनली 4.5 करोड़ के आसपास शेयर हमें वॉल्यूम में यहाँ पे सिमट के रहता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कोई भी बड़ी हलचल, बड़ा ट्रांजेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं बताऊँ दोस्तों इस कारोबार के अकॉर्डिंग कितना कारोबार स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो देखा जाए दोस्तों 1200 करोड़ का टोटल यहाँ पे ये टोटल कारोबार है, जबकि मार्केट के 40-45 हज़ार करोड़ का कंपनी का है। अब देखिए मेन पॉइंट अगर डाटा के टाइम हम देखें दोस्तों, तो जैसा कि आप देखोगे तो आज दोस्तों 40% के आसपास की डिलीवरी हमें नजर आई है। एंड इसमें से देखिए मेन पॉइंट कि आपका एमओ तो एमओ 30,000 शेयरों के साथ अभी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। देखिए डाटा क्या बता रहा है, डाटा का व्यू क्या है, देखो मेन चीज रहती है किसी भी स्टॉक की वॉल्यूम। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे बाइंग आती है तो स्टॉक हमें अचानक उछलता हुआ देखने को मिलता है, बट उसके बाद जैसे स्टॉक को रोक दिया जाता है, मतलब एक टेम्परेरी बाइंग मिलती है, टोटली एक सेटिंग बाई नहीं मिल रही। मान के चलो कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ अगर कोई खरीदने लग जाए तो स्टॉक अपने आप ऊपर निकल जाएगा। जस्ट दोस्तों जहाँ से खरीदारी रुकी वहां से प्रॉफिट होकर आना स्टार्ट हो जाती है, वो भी अभी के टाइम हमें चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। देखिए एनएचपीसी, सॉरी जो आपका आईएफसी है, आईएफसी का यहाँ पे जो आपका इरडा है भाई, इरडा एक अच्छा स्टॉक है। इरडा को मैं डिफरेंट यहाँ पे कर सकता हूँ कि देखो रिटर्न देखे जाएगा पिछले, अगर आप देखो ना जनवरी से यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। जनवरी से कोई भी बड़ा बाउंस नहीं बना तब से, अगर देखोगे इस स्टॉक को सबने बेकार स्टॉक कहा है। उसके पहले जैसे ही दोस्तों सर्किट मारता था तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता था, बट अभी के टाइम जैसे ही दोस्तों ये कंसोलिडेट जोन में आया सब लोगों ने इसको बुरा बताना स्टार्ट कर दिया। देखो अगर ये इस कंसोलिडेट में नहीं आता तो क्या जिसको आईपीओ मिला क्या वो बाहर निकलता, नहीं निकलता। बड़े ऑपरेटर यही चाहते हैं कि जिनको आईपीओ के समय जिन लोगों ने खरीदा है उनमें से कम मान के चलो 80% लोगों ने तो शेयर कर दिया है, 20% लोग ऐसे जिन्होंने अभी भी होल्ड कर रखा है, वो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग देख रहे हैं। तो जितना हो सके उनको भी पैनिक करो, उनको भी बाहर करो। अब जैसे वो बाहर होंगे बड़े फिलर से यहाँ पे माल खरीदेंगे, आप बोलेंगे कि भाई बड़े फिलर की होल्डिंग कम है। देखो बड़े फिलर कई बार रिटेल में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि रिटेल में नहीं रहता है, ऑपरेटर रिटेल में ही रहता है। क्योंकि ऑपरेटर दोस्तों कभी भी आप देखोगे जो भी कंपनी के अंदर मान के चलो एक बंदा, ठीक है ना, अगर आप कंपनी के अंदर 1% से ज्यादा होल्डिंग अगर खरीदते हैं तो आपका नाम इन्वेस्टर में आता हुआ नजर आएगा। एंड आपकी जो सेल बाय का ऑर्डर होगा आपका जो भी लगेगा उस पर मार्केट की नजर रहेगी, सीबीएसई नजर रख सकती है। बट अगर आप 1 करोड़ से कम क्वांटिटी खरीदते हो एंड उसको एक्सचेंज करते हो कई सारे डीमेट से तो सीबी की नजर उस पर नहीं रहेगी, आप रिटेल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग आप माने जाओगे। तो ये चीज आप समझ ले, ऑपरेटर हमेशा रिटेल में ही कुछ भी काम करता है। अभी के टाइम में डाटा बता दूं तो वो डाटा पॉजिटिव है, ज्यादा गिरावट नहीं हो रही, धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जल्दी यहाँ से बड़े धमाके की भी तैयारी है, चार्ट पैटर्न स्टॉक के बहुत पॉजिटिव। देखिए दोस्तों डाटा समझिए, अभी के टाइम जो आपका इरेडा है, इरेडा एक टोटली कंसोलिडेट जोन में फंसा हुआ, जब तक यहाँ पे कोई बड़ा ट्रांजेक्शन बड़ी खरीदारी नहीं आती है तब तक इस जोन से ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे समझिए दोस्तों, आज सभी स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वही बात करें इरेडा की तो इरेडा भी दोस्तों 1.8% के आसपास हमें भागता हुआ नजर आया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो 1% के आसपास, 180 के आसपास के आज की क्लोजिंग रही है। एंड चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों
तो जब से ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पे लिस्ट हुआ ना, लिस्ट लिस्ट होने के बाद दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से अगर देखोगे तो एक लंबा कंसोलिडेट इसने किया है, बट उससे पहले देखोगे तो लगभग इसने पैसा भी डबल किया है इस मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद तेजी, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, फिर एक बड़ा प्रॉफिट होगी। अब मान के चलो जिन लोगों ने आईपीओ में खरीदा था, ठीक है ना, जिन लोगों ने आईपीओ में खरीदा आधे तो दोस्तों इस गिरावट में बेच चुके, आधे यहाँ पे पैनिक होकर बेच चुके। जिनको वेट नहीं करना था, जिनको वेट नहीं करना था वो यहाँ पे बेच के निकल चुके। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ एक आध दो आध यहाँ पे 2% 3-4% लोग बचे हैं, उनको भी पैनिक किया जाएगा, उनसे भी माल निकाला जाएगा। वॉल्यूम अभी के टाइम देख लो बहुत कम है, बड़े प्लेयर्स की बड़ी एक्टिविटी अभी के टाइम नजर नहीं आ रही है। एक लंबा समय से स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड एक चीज आपको बता दूं, जितना ये कंसोलिडेट करेगा उतनी ही बड़ी डील आएगी। सबसे मेन फैक्ट यहाँ पे, अगर बड़े प्लेयर को बेचना होता तो वो कब का बेच चुका होता, ना कि यहाँ पे वेट कर रहा होता। इंडेफिनिट अगर वो वेट कर रहा है तो वो तेजी लेके आएगा, इन तेजी में ही सेल माल को अपने को निकालेगा। तो वेट कर लीजिए, अभी के टाइम कुछ नहीं बिगड़ा, बजट जल्दी आने वाला है, अराउंड 1 जुलाई का आपका बजट दिखेगा, तो 1 जुलाई से पहले हमें गलती नहीं करना है, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पे कंटिन्यू।